आज हम मध्य प्रदेश के खंडवा में खड़े हैं और खंडवा में मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे कंप्यूटर बाबा अपने मन की बात रखेंगे। माननीय शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार में निपटता की मन की बात आज कंप्यूटर बाबा इसी परिसर में रखेंगे। मैं अहमद सिद्दीकी, टीवी न्यूज, खंडवा, मध्य प्रदेश से। मन की बात को रखने के लिए विगत समय से चले आ रहे हैं, शासन प्रशासन के समय साथ में कितनी ही बार ये मन की बात रखी गई है। अपने गौ माता के बारे में, माता नर्मदा जी के बारे में, तो कई संतों के मठ मंदिरों के बारे में, परंतु इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। सरकार जो विगत 15 वर्षों से यहाँ पर बैठी है, परंतु धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस पर कोई उनका ध्यान नहीं है। आज इसलिए यह जरूरत पड़ी है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसका कारण सिर्फ ये एक ही है, धर्म को स्वीकार न करना, नर्मदा जी का ध्यान न रखना, गौ माता का ध्यान न रखना। ये निवेदन करता हूं कि सब एकजुट होकर परम पूज्य हमारे कंप्यूटर बाबा जी का पूरा साथ दे। मैं सबसे ये निवेदन करता हूं, मंचा सिंह सभी विराजमान संत बैठे हैं, वक्ता भी है, अपनी बात 2 मिनट के लिए रखता हूं। आज ऐसा क्या कारण बन गया है जो विगत 15 वर्षों से यहां पर सरकार बैठी है, परंतु धर्म का ध्यान नहीं है। कहिए, नर्मदा जी गंगा जी के स्वच्छता की जो बात करते हैं, अनेक कई नाले, गंगे नाले नर्मदा जी में आकर मिल रहे हैं और ये कहते हैं कि बड़ी स्वच्छता है, नहीं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। ये हमारा संतों का परम कर्तव्य है। धर्म की परंपरा को शिखर पर रखे हुए सभी आदरणीय संत सभी को मेरा नमन। और मेरे सामने बैठा भारत, मेरे सामने बैठा भारत इसलिए कहा, यही भारत है। और जो मंच पर बैठा है वो तो भारत की दिशा और दशा और सब कुछ बदल सकता है। वो सभी संतों को मेरा चरण स्पर्श और नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज संत समागम जो आपने रखा, आदरणीय कंप्यूटर चाय पियो, आप सबका स्वागत है। लेकिन राम मंदिर बनेगा तो संतों की लाश पर बनाए, लेकिन बनाकर ही रहेंगे। आप स्टैचू बना रहे हो 3500 करोड़ का चाइनीज, आपको बलात्कारी बच्चियां नजर नहीं आ रही, आपको युवा नजर नहीं आ रही। 3500 करोड़ में आपने चाइनीज सरदार पटेल बना दिए। 3500 करोड़ में कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं? बहुत अच्छा। 3500 करोड़ में यूनिवर्सिटी बनाते हैं हमारे रोजगार, जो आपने जियो फ्री चला के वहां बिठा रखी आईटी सेल, जो जियो फ्री चला के आईटी सेल पर बिठाकर हमारे युवा बच्चों को रोजगार न देने के बजाय उनको भटका रहे हो, दंगे उनके हाथ में दिए हैं। संत समाज ने धर्म युवाओं के हाथ में दिया है, तो इन लोगों ने दंगे हाथ में दिए हैं। मेरे शब्द लिख लेना, ये सच्चाई है और प्रूफ हम ला कर देंगे। युवाओं को आज रोजगार दिए हैं भाजपा शिवराज सरकार ने, युवाओं को आज दंगे हाथ में दिए हैं। संत समाज ने तो उन्हें धर्म की तरफ उनकी दिशा को दिखाया है कि धर्म ही प्रमुख है। याद रखिए, जिस देश का धर्म आज सड़कों पर और अदालतों में तारीख पर तारीख के लिए भटक रहा है, उस देश की सत्ता रातों रात सिर्फ बैठ सकती है। अगले दिन का सूरज नया और संतों का सूरज निकलना चाहिए। एकजुट हो जाइए, एक संत के पास 10,000 वोट होंगी। मैं ठीक कह रही हूं? राज बदल दिए, राज जिस
हम लोग आज ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारे युवा, शिक्षा, महिला, बच्चियां, पूरा का पूरा संत समाज आज ठगा महसूस कर रहे हैं जिस धोखेबाजी के साथ इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया। एक शब्द मैं कहती हूँ, यूज एंड थ्रो। आदरणीय संजनों, आपका पहले इस्तेमाल किया, आपके वोट को वोट में बदला और कुर्सी हासिल की और उसके बाद फेंक दिया गया। ये यूज एंड थ्रो की सरकार, ये यूज एंड थ्रो की सरकार मध्य हरियाणा में हमने उखाड़ दिए हैं। हरियाणा पूरा खत्म है, आएगी नहीं, दिल्ली में भी कभी नहीं आ सकते। मैं गारंटी लेती हूँ, आपके सामने कह रही हूँ, दिल्ली में कभी नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी करें। और गुजरात में एक महीना चुनाव थी, इनकी हालत बहुत पतली थी, सभी की हालत बहुत पतली थी, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, 10 करोड़ में MLA खरीद रहे हैं, 10 करोड़ में MLA खरीद रहे हैं और उसको मंत्री पद का देकर जो इनके खरीदे हुए MLA बन भी जाए तो हम उनको जूतों का हार पहना देंगे, हम उनको जूता। अरे तुम, तुम्हारे पैसे में ताकत है, हमारी शक्ति में ताकत है, तुम पैसा लगाओ, हम अपनी शक्ति लगाएंगे, हम अपने धर्म को अदालतों की चौखटों पर नहीं जाने देंगे। 38 साल रामलला टाट में और शिवराज और मोदी ठाट में, रामलला टाट में, शिवराज और मोदी ठाट में, ये नारा जिस दिन लेकर चलोगे कि मेरे राम टाट में नहीं बैठेंगे, मैं राम की भक्त हूँ, पूजा के लिए मेरे पास, मैं आज भी कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, समय नहीं मिलता, लेकिन दिल में राम को बसा के चलती हूँ। रामलला टाट में और मोदी और शिवराज जो और भी बने वो ठाट में, तो ये ठाट खत्म करना है, खत्म है। आप सब एकजुट हो जाइए, मुझे थोड़ा सा समय दिया गया था लेकिन बहुत ले लिया। सभी का हाथ जोड़कर नमन। ये बेटी से अगर कुछ गलती हो तो कान पकड़ के क्षमा याचना। एक बार दूसरे तालियां होनी चाहिए कि शिवराज के महान तक पूरे परछम के उड़ जाए, इतनी जोर से तालियां, पीछे से तालियां नहीं आ रही। सत्ता को उखाड़ना है तो तालियों में दम होना चाहिए, सत्ता को उखाड़ना है तो तालियों में दम होना चाहिए। देखिए, भारत वर्षों से मुगलों से घूमने चाहिए। सनातन धर्म की, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूजन बाबा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूजन बाबा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या है इसका उद्देश्य? आज हमने सभी पत्रकार बंधुओं को खंडवा में आज केसर होटल पे इस प्रांगण में संत समाज मध्य प्रदेश के कोने कोने से खंडवा पहुंच रहे हैं और कल 4 तारीख को संत अपने मन की बात करेंगे। मन की बात करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से हर संभाग में जा रहे हैं, भोपाल से की, इंदौर से की, ग्वालियर से की, अब खंडवा से। कल 4 नवंबर को संत समाज अपने मन की बात करेगा और इसके बाद 11 नवंबर को हम रीवा से करेंगे और 23 नवंबर को जबलपुर से करेंगे।
ऐसा करके संत समाज अपने मन की बात कर रहा है। 15 वर्षों में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को संत समाज कहते कहते थक गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी संत समाज की भी कोई पंचायत करा दो। आप बहुत सारी पंचायत कराते हैं, एक पंचायत तो संतों की कराओ। हमारे नवीनानंद सरस्वती ने कई बार बोला ये महाराज कंप्यूटर बाबा संतों को तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाओ, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उचित नहीं समझा। हम लोगों ने 50 बार बोला, 15 वर्षों में लगातार बोलते रहे, शिवराज सरकार ने साधु संतों के साथ मिलना उचित नहीं समझा। अब संत समाज, जब संत समाज की उपेक्षा होने लगी, नर्मदा हमारी जो है वो अवैध उत्खनन से भरपूर इनके परिवार के लोगों ने से बेच डाला, बेच के खा गए, और गौ माता की दुर्दशा जो है मध्य प्रदेश में देखी नहीं जा रही है, एवं मठ मंदिर की हालत गंभीर है, संतों की उपेक्षा हो रही है। इसलिए संत समाज ने विचार किया कि क्यों ना संत समाज अपने मन की बात मध्य प्रदेश के कोने कोने से करे और संभाग स्तर पर अपनी बात करे। उसके तहत कल हम खंडवा में यहाँ से, यहाँ जो है केसर होटल के प्रांगण से संत हजारों की संख्या में अपने मन की बात करेगा, और उसकी और अन्य जानकारी हमारे जो है प्रवक्ता के रूप में हमारे स्वामी नवीनानंद सरस्वती आपको डिटेल्स जानकारी देंगे। कोई जगह किसी कांग्रेस की या किसी बीजेपी की या किसी आदमी की होगी? किराया दे रहे हैं। अब हम तो पैसा दे रहे हैं ना, हम तो किराए से लिए, अब वो किसकी है ये तो हमें नहीं मालूम, वो आप लोकल जानते हो कौन की किसकी है, तो ये तो गलत बात है। और हमारे पूरे आयोजन में, आप पूरे मध्य प्रदेश के आयोजन में देख लीजिए हमारे पीछे कौन है, संत समाज है, ये महाराज हमारे नरसिंहदास जी हैं, ये मंच का संचालन करते हैं, हर जगह मंच का संचालन ये करते हैं। पर यह जरूर है कि अलग अलग स्तर से, क्षेत्र स्तर से संत महात्मा नए आते हैं, क्योंकि क्षेत्र भाई आते हैं, ग्वालियर में रोकड़िया बाली महाराज बहुत सारे जो उतर उधर के। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है, क्या ये शिवराज का विरोध माना जाए, या आपका कोई पर्टिकुलर विषय जिसको लेकर कल आप ये यात्रा निकालने वाले हैं? विगत कई हफ्तों से आप लोग मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके माध्यम से हमारे अभियान को आप सभी लोग, मध्य प्रदेश के अधिकांश जनता ये सब भली भांति परिचित हो चुकी है। हम लोग मध्य प्रदेश शासन जो धर्म के प्रति कुठाराघात कर रहा है, बार बार धर्माचार्यों के प्रयास करने के बाद भी जब निरंतर हमारा धर्म आहत होता ही चला जा रहा है, तो हम लोगों ने धर्म रक्षा के लिए उसमें नर्मदा संरक्षण भी, गो संरक्षण भी, मठ मंदिरों का संरक्षण, और धार्मिक नगरों में जो तमाम प्रकार के ये लोग मांस मदिरा इत्यादि और जो भी धर्म के कार्य को लेकर के घोटाला कर रहे हैं, वो सतत धरती पर देखने को नहीं मिल रहा। इन सभी मुद्दों को लेकर के आम जनता को जागृत कर रहे हैं। जैसा कि अभी महाराज श्री ने बताया कि धर्म रक्षा के लिए मध्य प्रदेश के संतों का प्रतिनिधि मंडल कई बार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अपनी एप्लीकेशन दिया सीएम हाउस पे, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से महात्माओं से, धर्म रक्षकों से मिलना पसंद नहीं कर रहे। जब क्रांतिकारी संत कंप्यूटर बाबा जी ने इस बात का बीड़ा उठा करके जनता के बीच में बिगुल फूंक दिया, तब शिवराज सिंह कह रहे हैं कि आवाज आइए, हम संतों से मिलना चाहते हैं। अब हमको उसको मिलने की जरूरत ही नहीं है, अब जब आचार संहिता लग गई है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो उससे मिलके क्या करेंगे? उसने तो जितना भी धर्म का शोषण करना था, प्रदेश को खोखला करने का काम करना था, वो सब कर चुका है। इसलिए अब हम जनता के बीच में आप सबके माध्यम से आए हैं, जन जागृति का अभियान चल रहा है, और जो धर्म विरोधी कार्य इस सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनको उजागर कर रहे हैं।
संतों के और मीडिया के माध्यम से। तो क्या इसको मतलब ऐसे लिया? सरकार का आरोप लगाया था आपने, कहा था मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं और अगर सरकार चेंज होती है या सरकार बदलती है तो उसकी SIC से जांच कराएंगे, किस तरीके के सबूत है आपके पास? सबूत नर्मदा के किनारे चलना पड़ेगा, जगह जगह पूरे नर्मदा को खोखला कर दिया गया है, गड्ढे कर दिए गए हैं उनके तमाम। आज भी नर्मदा के किनारे आचार संहिता के कुछ दिन पूर्व तक बिना नंबर के डंपर और मशीनरी चल रही थी, उनको कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ता था। दूसरा, जितने वो पौधों को गिना रहे हैं कि हम 60,000 वृक्षों को लगाए हैं, उनकी प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर काउंटिंग करवा ली जाए कि उसमें से यदि आधे भी जीवित हैं तो घोटाले के अंतर्गत हम नहीं मानेंगे, लेकिन अगर उसमें आधे भी जीवित नहीं हैं तो उन पौधों को लगाने का, सिंचित करने का, उनके खरीदने का ये जो सब खर्चा है वो सब लोग जोड़ लेंगे, अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि कितना घोटाला हुआ। राम मंदिर को लेके साधु समाज जो है वो पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, तो इसको लेके आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि हमारा आंदोलन मध्य प्रदेश का अभी वर्तमान में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इस देश के हिस्सा नहीं हैं, हमको देश की भी चिंता है। और राम मंदिर का मुद्दा आप देखते हैं कि जब भी चुनाव नज़दीक आता है तभी वो मुद्दा उठाया जाता है। अभी 4.5 वर्षों से पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में थी, जिन्होंने बीड़ा उठाया था कि हमारी सब बहुमत से सरकार आएगी तो हम राम मंदिर बनाने के लिए पूरे मार्ग प्रशस्त करेंगे, लेकिन 4.5 वर्ष तक मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। अब जब चुनाव आने वाला है नज़दीक, तब इनकी समर्थक जो RSS प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि सरकार को इस पे अध्यादेश लाना चाहिए, कानून लाना चाहिए। कानून लाए या ना लाए, लेकिन चुनाव आते आते ये मुद्दा तूल पकड़ ले, ये भावना उनकी ज़रूर है। अभी जो चल रहा है उसके आप फेवर में है कि नहीं है? अभी उसके सहयोग समर्थन में है कि नहीं है? अभी क्या चल रहा है? और हमारे भारत देश के धर्माचार्यों के लिए भी और इस देश के वासियों के लिए भी ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हमको सिद्ध करना पड़ रहा है कि अयोध्या में जन्मभूमि राम की थी या बाबर की थी। हम सब लोगों को कोर्ट भी अगर जाना पड़ रहा है ये सिद्ध करने के लिए कि अयोध्या में राम जन्मभूमि थी, तो ये हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात पूरे विश्व स्तर पर कुछ नहीं हो सकती। वो कोई भी पार्टी करे हम उसका साथ देंगे, लेकिन जो धर्म विरोधी कार्य होगा वो कोई भी पार्टी हो हम उसका विरोध करेंगे। अच्छा बाबूजी, मेरा सवाल आपसे था कि जब आपको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था उस समय ये बातें उठाई थी आपने कि मिलना है, समय लिया था या क्या उस समय हुआ था? राज्य मंत्री का दर्जा आपको उसके पहले की भी कहानी मालूम है कि नर्मदा के साथ में जो उत्खनन हो रहा था, उसके साथ जो घोटाला हो रहा था, उसको लेकर के महाराज ने हंगामा खड़ा किया था कि हम नर्मदा खोल खोल यात्रा निकालेंगे शिवराज की। जब बहुत मनाने के बाद भी ये नहीं माने तो शिवराज सरकार ने ये कहा कि आप खुद इस जिम्मेदारी को संभालिए और जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकिए, आप हम आपका साथ देंगे। तो क्या बाबा जी लेने के बाद जब इन्होंने कई बार उस मामले को उजागर किया कि यहाँ पर नर्मदा का उत्खनन हो रहा है, अवैध रेत खनन हो रही है, नर्मदा के साथ में अत्यंत भेदभावपूर्ण कार्य हो रहा है, हमको आप फोर्स दीजिए, हमको पावर दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। पावर वो क्यों देगा जब उसी के परिवार वाले खोद रहे हैं? हर बार वो कहता रहा नहीं नहीं आप सिर्फ पद में बने रहिए, कुछ कार्रवाई मत करिए। कब तक सबर करते? एक न एक दिन की हमारा जो मेन उद्देश्य था पहले घोटाला यात्रा निकालने का भी और आज उस मुद्दे को उठाने का भी कि नर्मदा का संरक्षण हो, जब हमारे पद में रहते हुए भी संरक्षण नहीं हो सकता तो बेहतर यह है कि हम विरोध में जा करके और जनता को इसके प्रति जागरूक करें।